आईपीएल 2021 के सीजन के पार्ट टू की शुरुआत हमें 19 सितंबर से देखने को मिली कि 19 सितंबर को एमआई और सीएसके के बीच आईपीएल के पार्ट टू का पहला मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन अब आईपीएल काफी करीब आने के कारण टीमों ने अब रिप्लेसमेंट्स को लेकर अब बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया। पिछले 3 से 4 दिनों में यहाँ पर लगभग 6-7 रिप्लेसमेंट अनाउंस हो चुकी है और आज आरसीबी की टीम ने अब आईपीएल के पार्ट टू के लिए एक और रिप्लेसमेंट अनाउंस करके यहाँ पर इंग्लैंड के एक विस्फोटक ऑलराउंडर को अपनी टीम में इंक्लूड कर दिया। मैं इस वीडियो में आपको इंग्लैंड विस्फोटक ऑलराउंडर का नाम बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि आखिर किन रीजंस के चलते आरसीबी की टीम ने इनको परचेज किया और कौन से प्लेयर को आखिर ये रिप्लेस करेंगे और कितने करोड़ में आखिर आरसीबी की टीम ने इनको परचेज किया। तो कुल मिलाकर इस रिप्लेसमेंट को लेकर आपको इस वीडियो में ए टू जेड सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी, काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट के तौर पर आखिर आरसीबी की टीम ने आज कौन से प्लेयर को अपनी टीम में इंक्लूड किया है। जहां पर अब तक यहां पर आईपीएल के पार्ट टू से कुल मिलाकर आरसीबी की टीम के 4 प्लेयर्स रोल्ड आउट हो चुके हैं। 4 प्लेयर्स ने अपना नाम विथड्रॉ कर लिया है, जहां पर केन रिचर्डसन ने, फिन एलन ने, इसके साथ ही एडम जांपा और डेनियल सेम्स ने आईपीएल के पार्ट टू से अपना नाम विथड्रॉ कर लिया। जहां पर इन प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट के तौर पर अब तक इस टीम ने श्रीलंका के हसरंगा, श्रीलंका के चमीरा को और श्रीलंका के टिम डेविड को अपनी टीम में इंक्लूड कर लिया था। हालांकि केन रिचर्डसन की अब तक इस टीम ने रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं करी थी, लेकिन केन रिचर्डसन की रिप्लेसमेंट के तौर पर आज यहां पर इंग्लैंड के एक विस्फोटक ऑलराउंडर को अब ये टीम अपनी टीम में इंक्लूड कर चुकी है। कुल मिलाकर इंग्लैंड के 24 वर्षीय ऑलराउंडर जॉर्ज कार्टन को अब ये टीम अपनी टीम में इंक्लूड कर चुकी है। जहां पर इस टीम ने जॉर्ज कार्टन से इसके साथ ही विंडीज के कार्लोस ब्रेथवेट के साथ बातचीत करी थी, लेकिन ब्रेथवेट ने यहां पर कुछ रीजन के चलते अपने आपको आईपीएल से दूर रखा था। तो एट द एंड यहां पर इंग्लैंड के युवा बेन स्टोक्स को इस टीम ने अपनी टीम में इंक्लूड कर लिया। जहां पर इंग्लैंड में इनका डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, इसी वजह से इनको युवा बेन स्टोक्स भी कहा जाता है और पिछले कुछ समय से इन्होंने गेंद और बल्ले के साथ काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर बैटिंग में इनका 160 से भी अधिक का स्ट्राइक रेट रहा है और गेंदबाजी में औसतन ये हर 4 ओवर में एटलीस्ट 1.5 से 2 विकेट ले लेते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर आरसीबी की टीम को एक ऐसा ऑलराउंडर मिल चुका है जो कि मिडिल ओवर्स में यहां पर 3 से 4 ओवर गेंदबाजी कर सके, इसके साथ ही बल्लेबाजी में भी यहां पर नंबर 6 नंबर 7 पर एक अच्छा खासा फिनिश कर सके, अच्छी खासी विस्फोटक बल्लेबाजी कर सके। तो आरसीबी की टीम ने तो 4 रिप्लेसमेंट्स को अब अपनी टीम में यहां पर कंफर्म कर दिया और आने वाले दिनों में अब बाकी टीमों की भी रिप्लेसमेंट देखने को मिलेगी। तो आप वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इसके साथ ही आप कमेंट करें कि आप कौन सी टीम की रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग आखिर अपकमिंग वीडियोस देखना चाहते हो, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारे इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।